हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप चाहे तो टी टाइम में भी बना सकती हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे बना के दे सकती हैं। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। वैसे भी बच्चों को कुछ नया नया बना के दो तो वो ज़रूर खा लेते हैं, और जो उन्हें पसंद आता है तो वो रोज़ बनवा भी लेते हैं। बहुत ही झटपट बन के ये तैयार हो जाएंगे, बहुत आसान है बनाना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक सेब ले लिया है और एक केला ले लिया है। सेब को अच्छे से धो करके हम छिलका उतार लेंगे और छोटे छोटे पीस कर लेंगे। उसके बाद गैस पे हमने यहाँ पे एक पैन रख लिया है और हम यहाँ पे सेब के पीस डाल लेते हैं और इनको हल्का सा हम चम्मच से चला लेंगे। थोड़ा सा हमें सेब को सॉफ्ट करना है क्योंकि हम इसका सैंडविच बनाएंगे। उसके बाद 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे चीनी डाल लेंगे। ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, वैसे भी सेब मीठा होता ही है, पर थोड़ा सा डाल ले आप। उसके बाद गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल यहाँ पे लो ही रखें। लो फ्लेम में हम सेब को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद देखिए, मैंने थोड़ा सा जायफल ले लिया है। 1 पिंच हम यहाँ पर जायफल डालेंगे, तो मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और 1 चुटकी हम यहाँ पर दालचीनी का पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद हल्का सा चम्मच से चला लेते हैं। थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच आप यहाँ पे पानी डाल लें जिससे कि सेब थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस सेब हमारे अच्छे से बन के तैयार हो गए, सॉफ्ट हो गए। हम इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। तब तक हम यहाँ पे सैंडविच की देखिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के पीस लगा लिए हैं 2। अच्छे से हम पहले इसमें वाइट बटर ले लेंगे। व्हाइट बटर भी मैंने घर पे बनाया हुआ है, और आप व्हाइट ब्रेड की जगह यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ले, क्योंकि हेल्दी सैंडविच बन रहा है तो ब्रेड भी हेल्दी होनी चाहिए, आटे वाली। उसके बाद बटर को अच्छे से हम ब्रेड में लगा लेंगे। बच्चों के लिए तो आप घर पे ही बटर बना लिया करें, बच्चों के लिए हेल्दी रहता है। अब हम यहाँ पे कोई भी आप अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले सकती हैं। चॉकलेट को हम ग्रेट करके डाल लेंगे। थोड़ा बच्चों की मनपसंद की भी अगर चीज़ें आप कुछ हेल्दी चीज़ें में मिला के उन्हें दे दें तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्के हल्के आप ग्रेट कर ले ताकि उन्हें अच्छा लगे खाने में टेस्ट, और वो बड़े शौक से खा लेंगे। तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यहाँ पर ले सकती हैं। तो देखिए, अच्छे से हमने यहाँ पे चॉकलेट ग्रेट कर लिए। दोनों ब्रेड पीस में आप चॉकलेट अच्छे से ग्रेट कर लें। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे सेब डाल लेते हैं। तो आप अच्छे से डाल लें और चारों तरफ फैला लें। उसके बाद देखिए, ऊपर से हम इस तरीके से ब्रेड लगा लेंगे इसके। तो ये हमारा एप्पल सैंडविच बन के अभी तैयार है। इसे हम साइड में रख लेते हैं, तब तक हम यहाँ पे बनाना सैंडविच भी बना लेते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे और अच्छे से वाइट बटर लगा लेंगे इसमें भी। मैं तो हमेशा घर पे ही बना हुआ बटर इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे केले के पीस इसके ऊपर रख लेते हैं। तो देखिए, बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और वो टिफ़िन बॉक्स में भी ले जा लेंगे, फ्रूट्स भी खा लेंगे साथ के साथ, और उन्हें बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच भी मिल जाएगा टिफ़िन बॉक्स के लिए। उसके बाद देखिए, केले के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे दालचीनी डाल लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी चॉकलेट डाल लेते हैं ग्रेट करके। तो चॉकलेट आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ा सा ही डालें, जिससे बच्चों को तो चॉकलेट अच्छी लगती ही है, उन्हें लगेगा कि उनका कुछ पसंद का भी है तो वो और शौक से खा लेंगे। तो दूसरे वाले ब्रेड पीस में भी मैं हल्की सी चॉकलेट को ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम हल्का सा यहाँ पे नाइफ से ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से उसमें रहे, निकले ना जब हम इसे इसके ऊपर रखें। तो बस देखिए, हमारा बनाना सैंडविच भी बनके तैयार है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। आपके आप चाहे तो डाल सकती है, बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा हेल्दी है तो थोड़ा सा डाल ले, खाने में भी अच्छे लगेंगे और बच्चों को भी हेल्दी मिल जाएगा। वैसे भी ड्राई फ्रूट्स तो बच्चों को पसंद होते ही हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को छोटा छोटे पीस में काट लिया था, वो मैंने यहाँ पर डाल लिया। ऊपर से दोबारा से हम यहाँ पर ब्रेड पीस रख लेंगे और अच्छे से ऊपर से एक बार अच्छे से बटर लगा लेते हैं,
क्योंकि इस वाली साइड को हम यहाँ पे तवे पे नीचे की तरफ रखेंगे ताकि हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से सॉफ्ट बने, जले ना और ना ही सख्त हो। तो गैस पे हमने यहाँ पे तवा रख लिया है और यहाँ पे हम बटर डाल लेंगे 1 चम्मच। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो ही रखना है, लो फ्लेम में हम इन्हें सैंडविच तैयार करेंगे जिससे कि ये अंदर तक बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारी चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे सैंडविच रख लेते हैं। तो आप किसी दिन उन्हें एप्पल का बना के दे दें, किसी दिन बनाना का बना के दे दें, और कभी कभी तो आप उन्हें मिक्स फ्रूट का भी सैंडविच बना के दे सकती हैं। इसी तरीके से बनाएं। अब हम ढक्कन लगा के धीमी धीमी आँच में कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आपको उस एक तरफ से सेकना है अच्छे से। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब ऊपर से एक बार हम और अच्छे से बटर लगाते हैं क्योंकि हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे तो ताकि ये नीचे से जले ना, इसलिए आप ऊपर से अच्छे से बटर लगा लें और इन्हें आराम से आपको दूसरी तरफ पलटना है। ध्यान रखें अंदर से हमारी फ्रूट्स वगैरह नहीं गिरने चाहिए। तो इस तरीके से आराम से आप दूसरी चम्मच की सहायता से कर लें या धीरे से इसको अच्छे से पलट लें। अब ढक्कन लगा के कम से कम 1 मिनट के लिए हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने अच्छे से सेक लिया है। तो देखिए हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया है और कितनी जल्दी बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको अभी कट करके भी दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं, उसके बाद देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा बनाना सैंडविच, कितना यम्मी लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। मैं अब आपको एप्पल चॉकलेट सैंडविच भी कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा एप्पल चॉकलेट सैंडविच भी बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगा। आप सब पूरी फैमिली के लिए इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टी टाइम पे बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दें तो उन्हें भी बहुत पसंद आने वाला है। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।